हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा है देवघर में दूसरा दिन, तो हम चल रहे हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। हालांकि हमने कल दर्शन कर लिया था तो बाबा को जल नहीं चढ़ा पाए थे, संकल्प तो हमने कल ले ही लिया था। तो बाबा को बस जाना है और जल चढ़ाना है, फिर जल चढ़ा के बासुकीनाथ चलना है। सो चल रहे हैं, हम थोड़ा लेट हो चुके हैं और टाइम हो चुका है 7:15, तो उस पर भी आज संडे है तो मैं भी थोड़ा रस मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं, अब हम होटल से निकल रहे हैं। अभी ई रिक्शा मिल गया है शिवगंगा जाने के लिए और अब हम चल पड़े। यहाँ थोड़ा आपको रिक्शे वाले से, ऑटो वाले से आपको बार्गेनिंग करानी पड़ती है, क्योंकि जो भी फेयर है वो उसका बढ़ाते ही आपको बताएंगे। मैं यहाँ से कल से 3 बार आ जा चुका हूँ, सारे ऑटो वालों ने कोई 20-20 करके बताया है कि जो फेयर है यहाँ से टावर चौक से आपको शिवगंगे का वो सिर्फ 10 रुपये का है तो पर हेड। और आप ये पार्किंग वगैरह आपको खुद से करानी होगी तो इसमें आप देख लेना। तो आगे ट्रैफिक लग चुका है और बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी, और गाड़ी अभी किसी तरह से चल रहा है। पीछे तो भीड़ नहीं है, मेरे आगे हरा एक छाती जा रहा है जिसकी वजह से काफ़ी भीड़ हो गई है। हम लोग लाइन के लिए अंदर आ चुके हैं, इस बार किसी दूसरे रास्ते से निकाला है और ये और ज़्यादा घुमा के जाना है। लास्ट टाइम जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से नहीं है, ये काफ़ी अंदर, ये शहर से पता नहीं कहाँ साइड से निकल गए हैं। और आगे उधर होते हुए फिर से वो जो मेन लाइन था उस लाइन में कट होना है, क्योंकि आज संडे की वजह से भीड़ ज़्यादा है तो इन्होंने रास्ते को डाइवर्ट कर दिया है। अभी बहुत दूर जाना है और काफ़ी ज़्यादा हो गया चलना आज। फिर ये लाइन में एंट्री हो गई है। लास्ट टाइम मुझे बिल्कुल लगता है कि जब मैं हालांकि सावन में आया था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ और रश होता है, उस समय बाबा ने मेरे कष्टों को देख के मुझे बहुत अच्छे से दर्शन दिया था। और इस बार चल के नहीं आया हूँ, गाड़ी से आया हूँ तो बाबा थोड़ा सा कष्ट दे रहे हैं, दर्शन में विलम्ब करा रहे हैं। कल भी काफ़ी दिक्कत के बाद दर्शन हुआ था और आज तो दिख ही रहा है कि काफ़ी लंबा चल रहा है और लाइन भी काफ़ी लंबी है। लाइन मिल गया है और पीछे अब भीड़ आप देख सकते हो, काफी भीड़ आ चुका है। बोल बम, 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 बोल बम। सो मेरे पीछे का ये नज़ारा है और आगे भी दिखा दे रहा हूँ आपको कैमरा फ्लिप करके। ये इधर से होके उधर होते हुए फिर मंदिर में जाएगा और काफ़ी लंबा लाइन है और भीड़ भी काफ़ी है। देखते हैं कितने देर में दर्शन होता है हम लोगों का। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। डेढ़ घंटे से इसी हॉल में रुके हुए हैं, इसके आगे पता नहीं शायद 3-4 हॉल और हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। 8 बजे हम एंट्री कर चुके थे और अभी टाइम हो चुका है 9:30, तो डेढ़ घंटा हमारा टाइम यहाँ जा चुका है। तो देखते हैं आज कितने बजे हमारा दर्शन होता है। 11:30 हो चुका है और अभी भी हम लाइन में ही हैं। आप हमारी शक्ल देख के समझ सकते हो कि कितना सारा, मतलब बहुत गर्मी था। एक्चुअली क्राउड इतना है कि पंखा वंखा लगा तो रखा है, मगर क्राउड की वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वगैरह है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी पता नहीं कितना और ज़्यादा टाइम लगना है। आज 1 बजे दर्शन हुआ है हमारा, फाइनली किसी तरह से दर्शन हो गया। अंदर बहुत ही भीड़ था, हद से ज़्यादा भीड़ था, आदमी पे आदमी चढ़ते थे, मगर किसी तरह से दर्शन हो गया है।
एक चीज़ दिक्कत थी या जो कमी थी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं था। पुलिस वालों ने इतना ज़्यादा आदमी ठेल दिया था अंदर, बहुत ही ज़्यादा रस था, आदमी चढ़ के कर रहे थे, मैं ही पूरा भीग के निकला हूँ। मैं तो और कुछ लोग थे जिन जो गिर गए थे और उन पे लोग चढ़े तो चढ़े जा रहे हैं, इस तरह का कंडीशन था। तो खैर किसी तरह से हमारा दर्शन हो गया, अब हम चलते हैं आगे और अब बासुकीनाथ को आपको दिखाते हैं। तो ये पीछे बाबा धाम और इधर माता, और हमने माता और बाबा दोनों का दर्शन कर लिया है। हम लोग बासुकीनाथ जाने के लिए हमने ऑटो रिजर्व किया है और ऑटो का फेयर हमें 800 पड़ा है और ये हमें टावर चौक आके मिला है। तो हालांकि वहाँ भी था और जहाँ पे शिव गंगे थे वहाँ भी था, बट वो लोग रेट अनाप शनाप बक रहे थे, कोई 1500 कोई 1200, जिसके मुंह में जो आ रहा था वो बक रहे थे और काफ़ी दिक्कत हो रही थी वहाँ। तो फिर हम वापस चौक पे आ गए और टावर चौक से फिर हमने रिजर्व कर लिया है, सॉरी टावर चौक से नहीं, टावर चौक से हम डिपो गए और डिपो जाके फिर हमने रिजर्व किया है। और फिर वहाँ ऐसे लास्ट टाइम जब मैं गया था तो मुझे शिव गंगे के पास ही मिल गई थी शेयरिंग वाली, जिसने 80 रुपीज़ पर हेड लिया था, बट अभी वैसा कोई सीन नहीं था, सिर्फ बसेस थी और बस की जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए हमने बस ऑटो किया और अभी चल रहे हैं। अभी हम त्रिकुट पर्वत क्रॉस कर रहे हैं और ये जो त्रिकुट पर्वत है यहाँ पहले रोपवे भी चलता था, हालांकि जो अभी एक्सीडेंट के बाद बंद हो चुका है। ये अंदर काफ़ी खूबसूरत जगह है और हमारे पास अभी टाइम की कमी से हम यहाँ नहीं जा पाएंगे, वरना मैं आपको यहाँ भी ज़रूर दिखाता। ये काफ़ी फेमस है और ये जो त्रिकुट पर्वत है इसका वर्णन रामायण में भी है, भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ रह चुके हैं। पहुँच चुके हैं, ये जो ये भी शिव गंगा है और ये बासुकीनाथ का शिव गंगा है। सो चलिए आपको यहाँ का भी दर्शन करा देते हैं। पहुँच चुके हैं बाबा बासुकीनाथ और यहाँ बाबा का दर्शन करते हैं। हमने बाबा को चढ़ाने के लिए जल और पुष्प ले लिया है, बाबा का दर्शन जल्द ही करते हैं और उनको पुष्पांजलि देते हैं, फिर चलते हैं अंदर। हमारा यहाँ बाबा से दर्शन हो गया है और देख सकते हैं पीछे। बाबा को हमने जल चढ़ा लिया है और अब चल रहे हैं माता की ओर, माता पार्वती को जल चढ़ाना है और उनको भी फूल चढ़ाना है। बाबा का भी दर्शन हो गया, ये हम जा रहे हैं अब माता के मंदिर को। दर्शन हो गया, मैंने आपको माता का दर्शन करा दिया, माता का दर्शन करके हम निकल रहे हैं और अभी अचानक क्राउड आ गई है। Oh my god.
प्रसाद लेने आए हैं और प्रसाद वगैरह ले लेते हैं ताकि थोड़ा घर जाके लोगों को बांट सके। हाँ, बासुकीनाथ में कोई खास होटल नहीं है, नॉर्मल होटल है, तो अभी छोटा ढाबा सा ही कह लो। तो ढाबा सा में हम आए हैं और यहाँ अभी थोड़ा सा ऑर्डर किया है पूड़ी कचौड़ी और यहाँ कुछ बैगन पकौड़ा दिख रहा था तो बैगन पकौड़ा ऑर्डर किया। यहाँ रोड के दोनों साइड अच्छा खासा मार्केट है, बट एक डिफरेंस जो मुझे दिख रहा है, मैं जब सावन में आया था लास्ट मंथ तो काफ़ी आगे तक मार्केट था, अभी बहुत सारा उधर मतलब रोड तक, और अभी बस यहाँ पे आसपास में ही मार्केट लगा हुआ, वो रोड वाला जो मार्केट है बहुत सारा बंद हो चुका है, तो जो स्थानीय लोग हैं होंगे वो उन्होंने मार्केट लगाया होगा। तो हमारा वासुकीनाथ कवर हो चुका है और अब हम जा रहे हैं वापस ऑटो स्टैंड, वहाँ पे हमारा ऑटो लगा हुआ है, वहाँ से ऑटो लेंगे और वापस बैजनाथ धाम। तो हमारा जसीडी का पूरा हो गया और हम वापस स्टेशन आ गए हैं, थोड़ा रास्ते के लिए कुछ खाना ले लेते हैं, तो यहाँ से हम डोसा ले रहे हैं।